सीटों पर मतदान जारी है। इन सीटों में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। जहां भोपाल में दिग्विजय के सामने साध्वी की चुनौती, तो गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने केपी यादव मैदान में है। भिंड की सीट पर कांग्रेस की ओर से देवाशीष जरारिया, तो वहीं बीजेपी की ओर से संध्या राय उम्मीदवार। गुना सीट की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो वहीं केपी यादव बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ग्वालियर सीट की बात करें तो अशोक सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो वहीं विवेक शिरवाड़कर बीजेपी प्रत्याशी। मुरैना सीट की बात करें तो रामनिवास रावत कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनके सामने नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी। राजगढ़ सीट की बात करें तो मोना सुस्तानी कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो वहीं उम्मीदवार बीजेपी रोडमल नागर। सागर सीट पर प्रभु सिंह ठाकुर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो वहीं राज बहादुर सिंह बीजेपी प्रत्याशी। छठे चरण का मतदान आज चल रहा है, जो मध्य प्रदेश का तीसरा चरण है। और विदिशा की सीट की बात करें तो शैलेंद्र पटेल कांग्रेस प्रत्याशी, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव। तो आज मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जोरों पर है। 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली में अपना वोट डाला। इसके साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अपने मत का प्रयोग किया।